आप सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जयदीप त्रिवेदी आज के हमारे वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पद्यचार कर्ण का जीवन दर्शन, इसके बारे में। इसके जो कवि हैं वह रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिसे हम दिनकर जी के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कर्ण के बारे में, और इसके बाद दिनकर जी का परिचय हम देखेंगे, और इसके बाद हम काव्य का पठन करेंगे। कर्ण जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत का सर्वश्रेष्ठ पात्र है। भगवान कृष्ण के बाद महाभारत में सबको आकर्षित करने वाला और सबसे श्रेष्ठ पात्र वो कर्ण है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण है वह कुंता माता का ही पुत्र था। कुंता माता जब कुंवारिका स्थिति में थी, तब भगवान सूर्य की उपासना से उसे कर्ण नाम का एक पुत्र हुआ था। मगर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस भय से कुंता माता ने कर्ण का त्याग कर दिया। और इसके बाद धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा, जो निसंतान थे, या तो हम ऐसा कहें कि उसका कोई पुत्र जीवित नहीं था, तो वह कर्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करके बहुत प्रसन्न और बहुत खुश हो जाते। तो वे लोग कर्ण को अपना बेटा मान लेते हैं और उसका लालन पालन बहुत प्यार से करने लगते हैं। इधर पांडव कौरव और कर्ण जब सब बड़े हो जाते, तब एक बार दुर्योधन कर्ण को अंग देश का दोस्तों राजा बना देता है, तो कर्ण को अंगराज भी कहा जाता है। बात दोस्तों यहाँ हम उस वक्त की करने वाले, जब कौरव और पांडव के बीच महाविध्वंसक, भयानक और भयंकर, जिसे हम कहें ऐसा महाभारत रूपी एक युद्ध जब शुरू हो जाता है, तब दोस्तों ये घटना घटित होती है कि भगवान कृष्ण को जब ऐसा लगता है कि कर्ण की शक्तियों का सामना करने वाला अब पांडव की ओर कोई नहीं है, कर्ण की जो शक्तियाँ है उसका सामना कोई कर ही नहीं सकता, तब भगवान कृष्ण जो है वह एक युक्ति के अनुसार कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण से विनती करते हैं कि हे कर्ण, तू कुंता माता का ही पुत्र है, तू पांडवों का बड़ा भाई है, उनका तू ज्येष्ठ है, तो तू हमारी ओर आ जा, पांडवों की ओर से युद्ध लड़, हम युद्ध समाप्त होते ही तुझे राजा बना देंगे, तुझे राजमहल दिला देंगे। तो कर्ण कहता है कि मुझे राज वैभव का कोई लोभ लालच नहीं है, मुझे अपनी भी कोई परवाह नहीं। और ऐसा कह के कहता है कि अभी मेरे मित्र दुर्योधन पर एक भारी आपदा, एक मुसीबत आई हुई है, और इस मुसीबत के वक्त में मैं उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसा कहकर दोस्तों वह अपनी मित्रता निभाता है, अपना मित्र धर्म निभाता है, और लोभ लालच और प्रलोभन को ठोकर मारता है दोस्तों। तो ये बात हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ऐसे भी हमारे इतिहास में हम देखें तो हमारा इतिहास गवाह है कि कर्ण जैसा मित्र ना कोई हुआ है ना कोई होगा। जो अपने मित्र पर आई विपदा को अपनी विपदा मान लेता है और कहता है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक दुर्योधन का कोई बाल बाका नहीं कर सकता दोस्तों। तो ऐसा मित्र आजकल हम देखे कहाँ मिलता है, तो ये कर्ण है दोस्तों, जो अपनी परवाह न करते हुए अपने मित्र धर्म को निभाता है। तो यही इसका जीवन दर्शन है दोस्तों। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं दिनकर जी का परिचय और बाद में कर्ण की बात करते हैं दोस्तों। देखते हैं दिनकर का परिचय। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा
पटना में प्राप्त की। उसका निधन सन 1974 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से ही स्नातक की उपाधि उन्होंने प्राप्त की और कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के चार अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिणाम दोनों की दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत गद्य खंड यानी कि खंड काव्य में रश्मि रथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। दोस्तों, कर्ण का जो जीवन है वह करुण अवश्य था किंतु वह भव्य जीवन था। तो ऐसे ही कर्ण का जीवन दर्शन हम करने वाले हैं। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है कि जो जन्मजात महान है, कि जन्म से कोई महान नहीं होता मगर पुरुषार्थ करके कर्म करके इंसान महान बनता है। तो ऐसी जीत दोस्तों कर्ण यहाँ चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन उसके सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ नहीं सकता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग के प्रस्तुत काव्यांश को दोस्तों यहाँ लिया गया है। ये दोस्तों बात करते हैं कर्ण के जीवन दर्शन के बारे में। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कहता है दोस्तों भगवान कृष्ण से, कहता है कर्ण कि उसे धन दौलत यानी कि सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं, वैभव विलास यानी कि हमारे संसार में प्राप्त होने वाले धन दौलत वैभव विलास जिसे हम सुख भोग कहते हैं। कहता है कि धन दौलत और सांसारिक सुख भोग मैं नहीं चाहता, मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं, वह अपनी परवाह नहीं करता। कहता है कि जीवन की परवाह नहीं, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। आगे कहता है कि बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, कि करतल से धरती रहे सदा, कि मेरे हाथों से करतल यानी कि हथेली हमारी जो होती है उसे करतल कहा जाता है दोस्तों, कि मेरी जो हथेली है उस हमेशा के लिए दान की निर्मल यानी कि पवित्र और सरिता यानी कि नदी हमेशा बहती रहे। मेरी बस यही इच्छा है कि मेरे हाथों से दान की पवित्र नदी हमेशा के लिए बहती रहे, निर्धन को भरती रहे सदा। यानी कि जो निर्धन है, जिसके पास धन की कमी है, या तो हम दूसरे शब्द में कहें जो दुखी है, जो पीड़ित है,
तो ऐसे लोगों के दुख दूर हो, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। तो दोस्तों कर्ण कहता है कि मुझे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे हाथों से दान की पवित्र नदी सदा के लिए बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे, उन निर्धन के दुख दूर हो जाए, बस यही मेरी कामना है। आगे कहता है दोस्तों, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत्व अत्यल्प हास, कुछ चाक्य चिक्य कुछ क्षण विलास। कहता है कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे लालच दे रहे हैं, आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, वह तो बहुत तुच्छ है, यानी कि बहुत सामान्य सा है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? कहता है पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव, वैभव यानी कि धन दौलत सुख भोग, उसे प्राप्त करके, वैभव प्राप्त करके मनुष्य क्या प्राप्त कर लेता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। कहता है कि चिंता प्रभुत्व, प्रभुत यानी कि ढेर सारी और अति अल्प हास। यहाँ दोस्तों संधि युक्त शब्द है, अति अल्प हास, अति यानी कि बहुत कम, अल्प यानी कि थोड़ा। जो चिंता है वह ढेर सारी है और खुशी है वह नाम मात्र की मिलती है, बहुत कम खुशी मिलती है दोस्तों। तो कहते हैं कि चाक चिक्य कुछ क्षण विलास, ये जो चमक दमक है, चाक चिक्की का मतलब होता है चमक दमक, ये जो चमक दमक है, ये जो चक्का चौंध है, ये बस कुछ थोड़े ही समय के लिए है, ये जो सुखभोग सुखोपभोग है, ये बस कुछ ही वक्त के लिए है। कहता है पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं उसे यही छोड़ के जाना है, यही छोड़ देनी पड़ती है, हम चाहे तो भी हम ना चाहे तो भी, ये जो सुविधाएं है ये सब का सब जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें यही छोड़ के जाना है। कहता है कि पर वह भी यही गवाना है, कुछ और नहीं ले जाना है, ये सब हमें यहाँ ही छोड़ के जाना है, कुछ साथ लेके जाना नहीं है। आगे कहता है मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। कि मुझे यानी कि मेरे जैसे जो इंसान होते हैं, तो कहता है कि हे कृष्णा, मेरे जैसे जो इंसान होते वे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, सोने का यानी कि कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, वे लोगों में बांटने के लिए ही धन प्राप्त करते हैं, लाते हैं रत्न लुटाने को, उनकी बहुमूल्य वस्तुएं जो होती है वह लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। कि कहता है जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं, वे जो है वह संसार से कभी कुछ लेते नहीं है, कुछ प्राप्त करते नहीं, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं, बस हृदय का दान करते हैं और दुखियों पर दया करते हैं, उनके दुख दूर होने की कामना करते हैं, अपने से जो हो पाए उतनी उसकी सेवा करते हैं। तो आगे कहता है प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। कहता है कि सोने जैसे चमक दमक वाले जो राजमहल होते, कि राजमहल बनाकर उसके ऊपर जो शिखर सुवर्णमय बना दिया जाता है, जो
स्वर्णिम शिखर बनाया जाता है, तो वो जो स्वर्णिम शिखर होता है उसकी जो चोटियाँ होती है वह कबूतर के ही घर बनते हैं। गरुड़ पक्षी जो होता है वह कभी महल में नहीं होता। कहते कि प्रासादों के कनकाब उसके जो शिखर होती है उस पर उसकी छत पर स्वर्णमय छत पर दोस्तों यहाँ कहते कि कबूतर बैठते हैं, कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं। वहाँ कंचन महलों में गरुड़ न होता है, वहाँ गरुड़ पक्षी है वह कभी हम देख नहीं सकते। वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता। कहते हैं कि बस महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। गरुड़ पक्षी है वह स्वर्णमयी यानी कि स्वर्णिम बिछोने पर कभी नहीं सोता। बसता वह कहीं पहाड़ों में, उसका निवास स्थान तो पहाड़ों के बीच में होता है, वो पहाड़ों की दरारों में रहता है दोस्तों। शैलों की फटी दरारों में, तो शैल का मतलब भी होता है पहाड़, पहाड़ों की फटी दरारों के बीच में उसका घर होता है। यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन भी पूछा था कि गरुड़ कहाँ रहता है, पहाड़ों की फटी दरारों में उसका घर होता है, पहाड़ों के बीच में दोस्तों वह रहता है। आगे कहता है, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप क्षीण। होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानव होता नित तप क्षीण। सता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। कहता है कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना जो तप होता है, उसका अपना जो तेज होता है वह खो देता है, उसका जो तप होता है उसका जो तेज होता है वह नष्ट हो जाता है जब मनुष्य सत्ता और सुख समृद्धि के अधीन बन जाता है। जब मनुष्य धन दौलत और सुख का गुलाम बन जाता है तब उसका तेज उसका तप जो होता है वह खो देता है। कहता है कि सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। यानी सत्ता यानी कि ये जो राजपद है, किरीट यानी कि ये जो मुकुट है, और ये जो मणियाँ है, ये मणियों से जड़ा हुआ जो मुकुट है, ये मणि जड़ित जो सिंहासन है, ये मनुष्य के तेज को उसके पौरुषत्व को उसके पराक्रम को जैसे कि हर लेता है। और कहता है कि नर विभव है तू ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। कि मनुष्य जो है वह धन दौलत सत्ता संपत्ति इसके प्रभाव में आकर प्रभावहीन बन जाता है। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ही ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है दोस्तों अंत में। तो यही जो धन संपत्ति के यदि हम गुलाम बन जाते हैं, इसके बगैर हम अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, तो इसके बारे में यह बात की गई है दोस्तों। आगे बात करते हैं, कहते हैं कि चांदनी पुष्प छाया में फल, नर गले बने सुमधुर कोमल। चांदनी पुष्प छाया में फल, नर गले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अखंड में जिए बिना। कहते कि चांदनी और फूलों की छाया यानी कि अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य जो है वह सुख समृद्धि और सुंदर कोमल भले ही बन जाए, उसे सुख समृद्धि भले ही हासिल हो जाए, वह सुंदर कोमल बन जाए। पर कहते कि पर अमृत कलेश का पिए बिना, कि कलेश यानी कि जो कष्ट है उस कष्टों का अमृत पान किए बिना, उसका अमृत पिए बिना, धूप और आंधी ये सब सहे बिना, आतप अखंड में जिए बिना। आतप का मतलब होता है दोस्तों धूप, और अखंड का मतलब होता है आंधी। तो धूप और आंधियों में रहे बिना या तो ये सहे बिना, धूप आंधी सहे बिना वह पुरुष नहीं कहलाता है। वह पुरुष नहीं कहलाता, वह बहादुर पराक्रमी नहीं कहलाता। हमारे अंदर दोस्तों एक पौरुषत्व है,
पौरुषत्व यानी कि पराक्रम। और ये पौरुषत्व हमारे अंदर कितना है, कितना जीवित है, ये हमें पता तभी चलता है जब हम आंधी और तूफान से टकराते हैं, यानी कि जब हम कई सारी मुश्किलों का सामना करते हैं। आगे कहता है, विघ्नों को नहीं हिला सकता वह जो आंधी तूफानों से टकराता है, तो ही वह विघ्नों को हिला सकता है। यानी कि आंधी और तूफानों को सहे बिना वह पौरुष नहीं कहलाता और न विघ्नों को पार कर सकता है। जब वह आंधी तूफान से यानी कि बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना नहीं करेगा तो क्या होगा कि जीवन में आने वाली छोटी छोटी मुश्किलों से भी क्या होगा कि वह डर जाएगा, उसका सामना कभी नहीं कर पाएगा। आगे कहता है, उड़ते जो झंझावातों में, पीटे जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विष घर भुजंग भोजन जिनका। देखिए, जो आंधी और तूफानों में उड़ते हैं, कहते हैं उड़ते जो झंझावातों में, झंझावात आंधी तूफान, जो आंधी और तूफानों में झंझावातों में उड़ते हैं, पीते जो वारी प्रपातों में, प्रपात का मतलब होता है दोस्तों झरना, जो झरने का पानी पीता है, झरने का पानी पीता है, सारा आकाश है जिसका घर है। अयन, अयन का मतलब दोस्तों होता है गति, चाल, से मार्ग भी कहते हैं, गमन भी कहा जाता है। तो यह हमें घर लेना है कि सारा आकाश ही जिसका घर है। और कहता है, विष घर भुजंग भोजन जिनका, तो विष घर यानी कि विषिले यानी कि जेरी सांप ही जिनका भोजन है, वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। ऐसे जो गरुड़ पक्षी है जो हमें सांपों के बंधन से छुड़ाते हैं, सांपों के बंधन से छुटकारा दिलाते, और वही धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। सर्प का जो विष होता है, ये विष से हमें ये गरुड़ पक्षी ही दोस्तों छुड़ाता है। यहाँ कर्ण जो है वह कहता है कि मैं गरुड़ पक्षी के समान हूँ और मेरा दुर्योधन रूपी मित्र है, उस पर अभी ये सांप रूपी विपत्ति उसे घेरे हुए है। ये युद्ध रूपी जो विपत्ति है, यहाँ दोस्तों उसने वहाँ उसे सांप कहा है, मेरा मित्र अभी सांप के बंधन से घिर गया है, तो मुझे उसे छुड़ाना है। कहता है कि मुझे उसे शीतलता देनी है। आगे कहता है अपने बारे में दोस्तों कर्ण, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। कि हे कृष्ण, हे केशव, मैं गरुड़ पक्षी हूँ, अपने आप को गरुड़ कहता है, मैं गरुड़ हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। न सिर पर चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर। कि दुर्योधन पर अभी घोर विपदा आई हुई है, भयंकर संकट आया हुआ है, भयंकर विपत्ति में अभी वह फंसा हुआ है। कि सकता न किसी विष उसे छोड़, कि ऐसे वक्त में, ऐसी कठिन स्थिति में मैं उसे छोड़ नहीं सकता। रणखेत पाटना है मुझको, अही पाश काटना है मुझको। मुझे तो ये जो रण है, रणखेत है, यानी कि युद्ध का जो क्षेत्र है, युद्ध का जो मैदान है, उसे दोस्तों रणखेत कहते हैं। रणखेत का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, युद्ध का मैदान। तो अभी मुझे युद्ध का मैदान है ये पार करना है, मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है, और अही पाश काटना है मुझको, यानी कि दुर्योधन को नागपाश के बंधनों से छुड़ाना है। नागपाश के बंधन से वह जो बंधा हुआ है, मुझे वो नागपाश के बंधन काटना है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों कर्ण जो है वह अपने सारे प्रलोभन को ठोकर मारते हुए अपनी मित्रता की बात करता है कि किसी भी हालत में अपने मित्रता है वो मुझे निभानी है दोस्तों। एक त्याग, एक बलिदान का उसका जो स्वभाव है वो दोस्तों यहाँ हम
देख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों कर्ण का जीवन दर्शन चैप्टर। दोस्तों इसके अंत में मैंने इसके जो शब्दार्थ है यानी कि टिप्पणी वह मैंने आपको यहाँ रख दिए। देखिए तो ये जो टिप्पण है ये शब्दार्थ है आपको होमवर्क में अभी एक बार अपने बुक में लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं।